हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं काव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल गो ग्रीन विद काव्या में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। सर्दियों का मौसम जा रहा है और गर्मियां बस आने ही वाली है, तो ये जो मौसम होता है बसंत स्प्रिंग जिसे कहते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। आप अपने पौधों के साथ जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर्दी के सीजन में जब टेम्परेचर कम होता है तो इंडोर प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स की एक्टिविटी रुक सी जाती है या कह लो स्लो हो जाती है। इस टाइम पे पौधों को ना ज़्यादा पानी पसंद होता है और ना ही खाद की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है तो आप देखेंगे कि प्लांट्स की न्यू ग्रोथ होने लगती है, नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं। अगर बात करें हम कटिंग्स की, तो इस सीज़न में आप कटिंग्स लगा के एक नया पौधा भी रेडी कर सकते हैं। अब जब न्यू ग्रोथ हो ही रही है तो ज़रूरत है कि उन्हें न्यूट्रिशन मिले, तो पौधों को हम खाद देंगे जो उन्हें लंबे समय तक न्यूट्रिशन देता रहेगा। वैसे तो खाद साल में दो बार दी जाती है, फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में, पर फरवरी में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हम अपने पौधों को सही तरीके से खाद दें। तो ये एक गमला लिया है हमने और इसकी तो पहले हम 2 इंच की मिट्टी निकाल के अलग रख देंगे और कोशिश कीजिएगा कि इसकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अब हम खाद देख लेते हैं। ये खाद मैंने ली है, ये एक पार्ट हमने ली है गोबर की खाद और ये एक पार्ट ली है हमने वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद। ये नीम खली ली है थोड़ी सी, बोन मील थोड़ी सी ली है और ये फंजीसाइड पाउडर, ताकि पौधों को फंगस वगैरह ना लगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये खाद कम से कम 8-10 पौधों को तो दे ही दूंगी मैं। अच्छे तरीके से इसे मिला लें। अब हम खाद देंगे पौधों को इस तरह से चारों तरफ गमले में बिछा दीजिए एक पतली सी लेयर। और अब जो मिट्टी हमने इसकी निकाल के रखी थी अलग से, उसे हम इसके ऊपर बिछा देंगे, वापस डाल देंगे गमले में। तो दोस्तों, इससे पहले कि फरवरी का महीना बीते, आप भी शुरू कीजिए अपने पौधों को खाद देना। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।